अजमेर स्मार्ट सिटी योजना के तहत तोपदड़ा ग्राउंड का कार्य शुरू होने के साथ ही विरोध भी सामने आने लगा है। इसी के तहत आज वार्ड पार्षद श्रवण कुमार के नेतृत्व में तोपदड़ा ग्राउंड में खेलने वाले खिलाड़ियों के साथ ही क्षेत्रवासियों ने ग्राउंड पर पहुंचकर विरोध जताया। पार्षद व क्षेत्रवासियों का कहना है कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत तोपदड़ा ग्राउंड का कार्य किया जा रहा है, लेकिन कार्य के दौरान ग्राउंड पर मलबा जमा किया जा रहा है। इससे पहले भी तोपदड़ा ग्राउंड के नजदीक एक और ग्राउंड हुआ करता था, जिसे भी मलबा डालकर बंद कर दिया गया। अब तोपदड़ा ग्राउंड में भी मलबा जमा किया जा रहा है, जिसका आज पार्षद के नेतृत्व में खिलाड़ियों व क्षेत्रवासियों ने विरोध किया और मलबा डालने आए ट्रक को वापस लौटना पड़ा। वही इस मामले को लेकर जिला कलेक्टर और नगर निगम को ज्ञापन देकर इस मामले में अवगत कराया जाएगा। ये तोपदड़ा ग्राउंड है, ये बहुत पुराना ग्राउंड है। यहाँ पर हमारे आसपास के क्षेत्र के सभी बच्चे यहाँ खेलने आते हैं। क्रिकेट ग्राउंड था ये, परंतु कुछ समय से क्या आधा ग्राउंड जो मलबा वगैरह डाल करके इसको अव्यवस्थित कर दिया गया है, बेकार कर दिया गया है। तो यहाँ के आसपास के बच्चों को बहुत परेशानी होती है, खेला नहीं जा रहा है। और अब जो ये स्मार्ट सिटी के तहत इस ग्राउंड का काम चल रहा है, हम इसका स्वागत करते हैं, हम खुद सहयोग करेंगे इस ग्राउंड को बनवाने में। परंतु एक तरीके से काम हो, एक साइड से काम हो, जो कि यहाँ की जनता को, यहाँ के हमारे युवा वर्ग को कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि आज हम स्पोर्ट्स की लिए बढ़ावा दे रहे हैं। परंतु जब इस ग्राउंड को पूरा ही अस्त व्यस्त कर दिया जाएगा और पता नहीं कितने समय तक रहेगा, तो हम चाहते हैं कि भाई ये एक निश्चित समय जो भी तय हुआ है उसमें ये हमारा ग्राउंड बन करके तैयार हो जाए और अब व्यवस्थित तरीके से तैयार हो, एक तरफ से करते हुए तैयार करते हुए आए, जिससे कि किसी को परेशानी नहीं हो, हम यही चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, हम कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन देंगे, ADA को भी ज्ञापन देंगे और महापौर महोदय को भी हमने ज्ञापन तैयार किया है, ज्ञापन देने जा रहे हैं। मेरा नाम श्रवण कुमार, वार्ड पार्षद 59। कौन सी जगह है, किस तरह की? हम यहाँ पे अभी तोपदड़ा ग्राउंड से बोल रहे हैं, जहाँ पे हम खड़े हैं। या अभी जो स्थिति आप देख रहे हैं, पिछले 4 साल पहले जो इसकी स्थिति थी बहुत ही बदतर थी। हम यहाँ पे क्षेत्रवासियों के सहयोग से अपने पैसे से JCB चलवा कर बीच में हम लोगों ने मैदान भी बनाया। अब वापस विकास कार्य के नाम पे यहाँ पे मलबा डाल करके छोड़ा जा रहा है। 4 साल पहले भी इन्होंने क्या किया था, सामने ग्राउंड में मलबा डलवा करके इसको जैसे के तैसे स्थिति में छोड़ दिया। 4 साल से वो ग्राउंड बंद है। वापस हमें डर ये है कि कहीं इस उस ग्राउंड की तरह इस ग्राउंड को भी मलबा डाल के ख़राब ना कर दिया जाए। हम ये चाहते हैं, विकास कार्य में हम कोई बाधा नहीं डालना चाहते, लेकिन जिस कार्य को आपने विकास के नाम पर पहले आपने जहाँ पर जो मलबा डलवाया था, पहले आप उसे सही करें, फिर इधर आप काम करें। शिकायत बिल्कुल, हम यहाँ पे अभी कलेक्टर और महापौर और ADA सब जगह का ज्ञापन देने जाएंगे। अभी यहाँ के बाद हम लोग वहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं और हम चाहते हैं जो भी यहाँ जिनके अंडर में भी ये काम हो रहा हो, सही तरीके से यहाँ पे कार्य हो। बाकी हमें और कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आपका परिचय? राजीव गुप्ता।